पीएम ने वाराणसी को दी 614 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात, 19 परियोजनाओं का उद्घाटन तो 17 प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। पीएम बोले, कोरोना काल में भी लगातार आगे बढ़ती रही काशी। 370 अटने से बौखलाई महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान, कहा विकल्प न होने से कश्मीरी युवा बन रहे आतंकी, उनके पास बंदूक उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी घटना नाकाम, पुंछ में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, 4 AK-56 राइफल, 4 ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद, 20 इस्लामी डायरी भी मिली। मुंबई में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी की रेड, घर से मिली प्रतिबंधित दवाएं, ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। 11 नवंबर को अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रियला से होगी पूछताछ। दिल्ली में पटाखे फोड़ने वालों पर एक्शन लेगी सरकार, पटाखे फोड़ने पर 1.5 साल से 6 साल तक की सजा, एयर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन से बौखलाया चीन, बाइडेन को बताया नई बोतल में पुरानी शराब, कहा ट्रंप और बाइडेन में कोई फर्क नहीं। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी कंपनी फाइजर का बड़ा दावा, 90% संक्रमण रोकने वाली वैक्सीन बनाने की कही बात। बिहार में नतीजों से पहले लालू परिवार में खुशी की लहर, पटना में लगे तेजस्वी के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर। टीवी9 भारतवर्ष कल सुबह 6 बजे से लगातार बिहार काउंटिंग की सबसे तेज सबसे अद्भुत महा कवरेज, 243 सीट, 243 कैमरे, 243 रिपोर्टर से जानिए हर सेकंड का हाल। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।